यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज हम अपने जो टैली के रजिस्टर्स होते हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। जो टैली के रजिस्टर्स हैं वो तीन होंगे आपके, एक होगी हमारी जर्नल बुक, एक होगी हमारी कैश बुक, एक होगी हमारी लेजर बुक। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो थ्री रजिस्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे। तो आप यहाँ पे हमारे पास जो थ्री रजिस्टर्स हैं, पहला रजिस्टर है हमारे पास यहाँ पर जर्नल का। कौन सा रजिस्टर है? जर्नल का रजिस्टर है। देखो इसके अंदर हमारे पास टू साइड दी हुई है, एक ये इसमें एक ही है, देखो एक हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो इसमें, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये टू साइड है डेबिट और क्रेडिट। जो नेक्स्ट पेज होगा, ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा, नंबरिंग भी अलग अलग चलेगी। ये था हमारा जनरल का रजिस्टर। उसके बाद आता है हमारे पास कैश का रजिस्टर। कैश के अंदर अभी आपने जनरल के अंदर देखा कि दोनों तरफ एक जैसे पेज थे, लेकिन कैश के रजिस्टर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास पेज के ऊपर भी अलग अलग नाम दिए हुए हैं। एक होती है हमारी रिसिप्ट साइड, एक होती है हमारी पेमेंट साइड। जो हमारी रिसिप्ट साइड होती है, जब हमारे पैसे कहीं से आएंगे तो हम रिसिप्ट साइड में नाम करेंगे, और जो पैसे हमारे किसी भी चीज, हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ भी जनरल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सारे इस तरफ जाएंगे जब हमारा कैश जा रहा होगा। जब हमारी जर्नल और कैश बुक कंप्लीट हो जाती है तो हम इसके अंदर पोस्टिंग करते हैं, किसके अंदर? लेजर बुक के अंदर। तो आप कहोगे कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, तो हमने जब कॉपी के अंदर काम किया था तो आपको जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो का कॉलम जुड़वाया था। तो अब हम रजिस्टर्स के अंदर क्या करेंगे, इन फोलियो का भी यूज करना सीखेंगे, और क्या सीखेंगे कि हम कैश बुक के अंदर कैसे काम करते हैं, हम कैश बुक के अंदर कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे। तो हमें रजिस्टर में दो चीजें करने सीखेंगे, और कैश बुक से हम लेजर के अंदर कैसे पोस्टिंग करेंगे, ये सब रजिस्टर्स का काम चलेगा। तो आज हम काम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंट्रीज होंगी उस एंट्रीज को करेंगे। अब तक हम यही करते आ रहे थे, लेकिन आज जर्नल के रजिस्टर में हम वो एंट्री करेंगे जो एंट्री के अंदर कैश नहीं होगा। मतलब कि जर्नल के अंदर वो काम जाएगा जो कैश, मतलब कि जो उधार से माल खरीद रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, या कुछ ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, मतलब कि जिसके जिस एंट्री के अंदर ना तो कैश डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा, तो वो एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल बुक के अंदर। और जिस एंट्री के अंदर कैश आ जाता है वो एंट्री कहाँ जाती है? कैश बुक के अंदर। तो आज हम रजिस्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम जर्नल रजिस्टर शुरू कर रहे हैं। तो जर्नल रजिस्टर के अंदर हम क्या काम करेंगे, सिर्फ नॉन कैश की एंट्री करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, एंट्रीज पहले की हैं, सिर्फ हम रजिस्टर में करना सीखेंगे कैसे करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर्स। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, सियाराम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। सियाराम ने नया बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ 2 लाख। देखो इसमें कैश आ गया, मतलब एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये एंट्री जो है हमारी कैश बुक में जाएगी, तो इसको हम एक बार छोड़ देंगे और इसमें करेंगे कैश बुक में। तो अभी हमने सिर्फ जनरल रजिस्टर में करना है, तो हम जनरल रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड एंट्री देखेंगे 3 अप्रैल की, कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, कितने का? 20,000 रुपए का। इसमें भी कैश आ रहा है, तो इस एंट्री को भी हम कहाँ पे करेंगे? कैश बुक में। तो हमें एंट्री को रीड करके ही पता चलेगा कि एंट्री जर्नल बुक में जाएगी या कैश बुक में। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000।
₹50,000 का माल खरीदा तो ये एंट्री भी कहाँ जाएगी? कैश रूप में, क्योंकि कैश में खरीदा है। तो उसके बाद आते हैं हम 8 अप्रैल की एंट्री को। 8 अप्रैल की एंट्री में क्या कहता है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000, फ्रॉम मोहन गारमेंट 16,000। हमने माल खरीदा है विशाल ट्रेडिंग कंपनी से ₹25,000 का, फ्रॉम मोहन गारमेंट्स ₹16,000 से। तो अब हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, क्योंकि इसके अंदर उधार में माल खरीदा है 8 तारीख को। तो हम यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे 8 तारीख, डेट डालेंगे हम जनरल रजिस्टर के अंदर 8 तारीख का। तो हमने यहाँ पे 8 अप्रैल डाल दिया ऊपर 8 तारीख, ठीक है, या फिर आप 8/4 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से करेंगे? 2। किससे खरीदा है? 2 विशाल ट्रेडिंग से। और किससे खरीदा है? 2 मोहन गारमेंट से, ठीक है। तो विशाल ट्रेडिंग से कितने का खरीदा था? ₹25,000 का, और मोहन से ₹16,000 का। तो दोनों का टोटल कर दिया तो टोटल माल कितने का आया? ₹41,000 का। कितने का माल आ गया? ₹41,000 का हमने माल खरीद लिया है विशाल से और मोहन से, दोनों से ₹25,000 का और ₹16,000 का। नरेशन लिखेंगे हम इसके अंदर, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल एंड मोहन, ठीक है, विशाल एंड मोहन से। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, देखते हैं, सेकेंड एंट्री 8 तारीख तक होगी हमारी। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री देखते हैं कौन सी करेंगे, 10 तारीख की। 10 तारीख को क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी ₹5,000। रिटर्न का मतलब होता है वापिस करना, गुड्स का मतलब होता है माल, टू विशाल ट्रेडिंग, विशाल ट्रेडिंग को ₹5,000 का माल वापिस कर दिया। तो रिटर्न है मतलब सबसे पहले ये देखेंगे कि विशाल ट्रेडिंग से हमने कितने का माल खरीदा था। हमने विशाल ट्रेडिंग से ₹25,000 का माल खरीदा था, उसमें से ₹5,000 का माल वापिस कर दिया। तो हमने ऊपर की एंट्री इसलिए देखी, कहीं हमने विशाल ट्रेडिंग से जो माल खरीदा था उसे कैश दिया था या नहीं। नहीं दिया था, उधार की एंट्री थी, तो वो भी हमें कैश नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डेट डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विशाल ट्रेडिंग था तो यहाँ पे विशाल ट्रेडिंग को पहले हमने क्रेडिट किया था, अब डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माल इसके पास जा रहा है। विशाल ट्रेडिंग डेबिट कितने से? ₹5,000 से। 2 के अंदर क्या आएगा? परचेज रिटर्न। क्यों आया? क्योंकि हमने जो माल खरीदा था, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि माल वापिस किया है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो कितने से? ₹5,000 से। रिटर्न की एंट्री थी, परचेज रिटर्न की, तो हमने यहाँ पे रिटर्न इसलिए लिखा क्योंकि माल चला गया। तो हम भी क्या लिखेंगे, देखो इसने क्या कहा था, रिटर्न गुड्स। तो हम भी क्या एंट्री के अंदर नरेशन में बताना पड़ेगा किसको किए हैं, फॉर रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग, ठीक है। ये विशाल ट्रेडिंग को हमने 5,000 का माल वापस किया। उसके
बाद क्या कहता है, हम देखेंगे यहाँ पर पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। देखो पेमेंट दे रहे हैं हम विशाल ट्रेडिंग को, मतलब कि पैसे जा रहे हैं, कैश की एंट्री हो गई, इसे हम कैश बुक में करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, क्या कह रहा है, 15 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, 40,000 रुपए का माल बेचा, कैश में बेचा है, तो एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में। तो उसके बाद आते हैं हम 18 तारीख को, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% रेट डिस्काउंट रुपीज 30,000। सोल्ड बेच दिया गुड्स माल, हीरो लिमिटेड को माल बेचा लेस 10% रेट डिस्काउंट पर, 30,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट पर माल को बेचा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 30,000 का, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, 30,000 का 10% निकाल लिया तो कितना आ गया, 3,000 रुपए। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करके लिखते हैं, इसको शो नहीं करते, तो 30,000 रुपए में से 3,000 रुपए का 27,000 रुपए हमने हीरो लिमिटेड को माल बेचा है, 27,000 रुपए का उधार में बेचा है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, डेट देख के आएंगे, सबसे पहले 18 अप्रैल की एंट्री है, हमने यहाँ पे 18 अप्रैल डालेंगे हम यहाँ पर, को क्या किया है, हीरो लिमिटेड को हमने गुड्स बेचा है, डेबिट कर दिया कितने से, 30,000 रुपए में से 3,000 चले गए थे 27,000 रुपए से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट कितने से, 27,000 रुपए से, ठीक है, कितने से, 27,000 रुपए से। फॉर गुड सोल्ड, माल बेच दिया और गुड सोल्ड फ्रॉम किसको बेचा, हीरो लिमिटेड को, ठीक है, कितने का बताना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री थी, एंड 10% रेट डिस्काउंट। उसके बाद आता है हमारे पास 18 तारीख के बाद 20 तारीख को सियाराम विड्रो फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। सियाराम ने बिजनेस शुरू किया, सॉरी सियाराम ने विड्रो किए, निकाले फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने क्या निकाला है, विड्रो का मतलब होता है निकालना, तो कैश निकाला है 10,000 रुपए, गुड्स निकाला है 4,000 रुपए। अब कैश की एंट्री तो हम नहीं कर सकते इसके अंदर क्योंकि जनरल बुक है हमारी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, निकाला तो है ही गुड्स और गुड्स कम हो रहा है, तो मतलब गुड्स की बात आती है तो क्या आता है, परचेज, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 4,000 रुपए से। तो हम 20 तारीख को एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एंट्री करी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स कम हो रहा है तो परचेज, कैश नहीं लिखेंगे साथ में, कितने से, 4,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4,000 रुपए से एंट्री कर देंगे हम। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम, नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर गुड्स विड्रो, क्या किया है हमने, कितने से, 4,000 रुपए से, तो हम नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर गुड्स विड्रो
फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 20 तारीख की एंट्री के बाद पेड टू मोहन गारमेंट्स कितने से 7,800, डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है 200 से। अब जो डिस्काउंट की एंट्रीज हैं वो एंट्री आपकी कैश बुक में भी आती है और जर्नल बुक में भी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एंट्री को पहले सिंपल रफ जगह पे करके देखेंगे और जो एंट्री कैश बुक में जाएगी उसको उसमें छोड़ देंगे और बाकी एंट्री को हम कहाँ कर लेंगे, अपनी रजिस्टर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें जनरल रजिस्टर में सीरीज वाइज डेट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो अब देखो मोहन गारमेंट्स के पास पैसे पेड कर रहे हैं हमने, मोहन गारमेंट्स को मतलब कि पैसे किसके पास जा रहे हैं, मोहन गारमेंट्स के पास। तो हमने यहाँ पे 21 तारीख डाली, तो हम 21 तारीख की रफ जगह पे काम करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे 21 तारीख की एंट्री स्टार्ट कर दी, पैसे किसके पास जा रहे हैं, मोहन के पास। तो मोहन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से 2, पैसे जा रहे हैं 2 कैश अकाउंट, कितने से 7800 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से 200 रुपए से। तो मतलब जो नाम होता है उसके सामने क्या जाता है, पूरी अमाउंट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो टोटल होगा वो मोहन के सामने आ जाएगा 8,000 रुपए से। तो आप देखोगे इसके अंदर 3 चीजें आई, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। अब क्या करेंगे, जो कैश की एंट्री है वो कैश बुक में जाएगी। तो कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी, जो अमाउंट कैश के सामने है, क्योंकि 2 दो बार है तो खाली कैश का 2 जाएगा कैश बुक में। तो एंट्री क्या बची, मोहन अकाउंट डेबिट 7800 रुपए टू कैश अकाउंट 7800 रुपए। तो मोहन के सामने लिखे कितने हुए हैं, 8,000। तो 7800 तो कैश बुक में चले जाएंगे, तो जर्नल बुक में क्या जाएंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज। मतलब कि डिस्काउंट जो क्रेडिट है तो उसके ऊपर जो डेबिट की नाम होता है, जो डिस्काउंट के सामने की अमाउंट होगी वही अमाउंट हमारे जर्नल बुक में आ जाएगी। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर 21 तारीख की एंट्री है, तो हम 21 तारीख की एंट्री में लिखेंगे मोहन गारमेंट्स डेबिट, अमाउंट जो डिस्काउंट के सामने थी, क्योंकि हमें जनरल रजिस्टर में काम कर रहे हैं तो इतना ही करेंगे, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अकाउंट है हमारा कितने से, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए से। नरेशन में पूरा ही लिखना पड़ेगा फॉर कैश पेड, कैश पेड किया किसको, 2 मोहन गारमेंट्स को, कितना 7800 रुपए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 3,200, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद आते हैं हम 21 तारीख के बाद, 21 तारीख की हाफ एंट्री हम इसमें कर चुके हैं। 22 तारीख की एंट्री में देखेंगे हम क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड कितने, 8,850 रुपए, और क्या कह रहा है, डिस्काउंट अलाउड है 150 से। तो इसकी भी जो डिस्काउंट की एंट्री होती है, इनकी हाफ एंट्री हमारी कैश बुक में जाती है और हाफ एंट्री हमारी जर्नल बुक में। तो इस एंट्री को भी हम रफ में करके देखेंगे कैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 22 तारीख को। तो हम यहाँ पे 22 तारीख की एंट्री करेंगे,
हमने 22 तारीख की एंट्री स्टार्ट करी। क्या सबसे पहले हमें हीरो लिमिटेड पैसे दे रहा है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितने? 8850 रुपए थे, 8850 रुपए। अब डिस्काउंट कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? डिस्काउंट अलाउड, डेबिट है तो क्या आएगा? अलाउड। अकाउंट डेबिट कितने से? जो कितनी कितनी डिस्काउंट दी है? 150, तो क्या लिखेंगे? 150, ठीक है। टू के अंदर क्या आएगा? कौन दे रहा है? हीरो लिमिटेड। जो नाम होता है उन दोनों का टोटल कैश और डिस्काउंट का कितना आ गया? 9000 रुपए, ठीक है। अब कैश की अमाउंट तो नहीं जाएगी जनरल बुक के अंदर, और हीरो लिमिटेड एक ही चीज क्रेडिट है 9000 से, तो कैश कितने से डेबिट है? 8850 से। तो हीरो लिमिटेड में कैश की अमाउंट को हमने माइनस कर दी 8850, तो क्या बचा? 150 रुपए। तो एंट्री क्या बन गई? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड 150 रुपए से। तो हम यहाँ पे एंट्री भी यही करेंगे, 22 तारीख की एंट्री डाल दी। हीरो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डिस्काउंट आना था, डिस्काउंट अलाउड। अकाउंट डेबिट कितने से? जो अमाउंट डिस्काउंट के अंदर थी वो यहाँ पे आएगी 150 से। कितने से? 150 से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू हीरो लिमिटेड कितने से? 150 से। फोर क्या कहा? फोर हमने क्या किया था? कैश रिसीव्ड हो रहा था फ्रॉम किसे? हीरो लिमिटेड से। कितना? रुपीस 8850 रुपए एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीस 150। उसके बाद आता है हमारे पास 22 तारीख की एंट्री के बाद 25 तारीख की एंट्री। उसमें क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स 2 हंसराज लिमिटेड फोर कैश रुपीस कितने से? 12000। हमने माल बेचा हंसराज को कैश के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या बेचा? कैश बेचा हंसराज को, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश की एंट्री है इसमें शो नहीं होगी, तो हमने इस एंट्री को छोड़ दिया कैश बुक के लिए। फिर आता है परचेज गुड्स फॉर पवन ब्रदर्स रुपीज 12000। माल खरीदा है पवन ब्रदर्स से 12000 रुपीज का, तो हम एंट्री क्या करेंगे? 12000 रुपीज की जो एंट्री है, तो अब सिंपल ही एंट्री है माल खरीदा है, तो जनरल बुक में जाएगी क्योंकि कैश में नहीं खरीदा है, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स। तो हमने 28 तारीख की एंट्री स्टार्ट करी, परचेज माल खरीदा है परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 12000 रुपए से। टू पवन ब्रदर्स कितने से? 12000 रुपए से। ठीक है, नरेशन के अंदर क्या लिख देंगे? फोर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पवन ब्रदर्स
₹12,000 का। तो ये हमारी एंट्री थी। तो ऊपर एक एंट्री में हमने डिस्काउंट की एंट्री छोड़ दी थी, ये सोच के कि कैश बुक के साथ करेंगे तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो हाफ एंट्री बच गई होगी। पेड 14 तारीख की एंट्री थी, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट पर। तो अब क्या कर रहे हैं, पैसे किसके पास जा रहे हैं, विशाल ट्रेडिंग के पास। हमने पेमेंट करनी है तो हमने 20,000 का माल, 25,000 का माल खरीदा था उससे और 5,000 रुपये उसको का माल वापिस कर दिया। तो मतलब हमने उसको पैसे कितने देने हैं, हमने उसको पैसे देने हैं 20,000 रुपये। तो हमने विशाल ट्रेडिंग की एंट्री करी, पेमेंट देनी है हमने उसको। 14 तारीख की हमने एंट्री करी यहाँ पर, पैसे किसके पास जा रहे हैं, विशाल के पास, विशाल ट्रेडिंग के पास। कितने से डेबिट है 2, कैश अकाउंट कितने पैसे दे रहे हैं 20,000 रुपए देने हैं। तो हमने उसको 5% डिस्काउंट काट लिए। तो अब 20,000 की 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगी 1,000 रुपए। तो अब हमने देने कितने थे विशाल ट्रेडिंग को 20,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट यहाँ आ जाती है और कैश कितना दिया 1,000 माइनस कर दिया 19,000 रुपए। तो 1,000 रुपए कहाँ चले गए, कैश के अंदर, क्योंकि रिसीव्ड हो रही है, हमने पैसे कम दिए हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से 1,000 रुपए से, ठीक है। अब जो कैश की अमाउंट है वो हम इसमें नहीं लिख सकते, तो बचा क्या 20,000 रुपए हैं विशाल के अंदर। तो हम उसमें से 19,000 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री, हाफ एंट्री हमारी जनरल बुक में जाएगी। विशाल ट्रेडिंग डेबिट 19,000 रुपए टू कैश अकाउंट 19,000 रुपए, अलग कर दिया हमने इसको। बचा क्या फिर, विशाल ट्रेडिंग डेबिट 1,000 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपए। इसके अंदर देखो कहीं पे भी कैश नहीं आया। तो हम 14 तारीख की एंट्री करेंगे यहाँ पर, या नीचे ही कर लेते हैं, 14 तारीख की एंट्री करते हैं हम यहाँ पर। पैसे किसके पास जा रहे हैं, विशाल ट्रेडिंग। हमने उसको देने थे कितने 20,000 रुपए, लेकिन हमें डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट लिखेंगे 1,000 रुपए से। क्या लिख दिया 1,000 रुपए से हमने, क्या विशाल की अमाउंट लिख दी 2 के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से 1,000 रुपए से। नरेशन पूरी रहेगी ताकि पता चल जाए कि एंट्री कहाँ से आई है। 4 कैश पेड टू विशाल ट्रेडिंग कितने एंड डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आज हमारा जनरल का रजिस्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कैश बुक करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा था, जनरल बुक, जो हमारा पूरा हो गया। तो आज इतना ही है क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम कैश बुक करेंगे।